अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले स्क्रीन्स क्या होती हैं और इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। डिस्प्ले स्क्रीन बेसिकली आपके कंप्यूटर के साथ मौजूद मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, हम डिस्प्ले स्क्रीन्स कहते हैं। ये मॉनिटर्स क्या होते हैं, ये स्क्रीन्स क्या होती हैं, ये हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें आपके कंप्यूटर की सॉफ्ट आउटपुट को, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मॉनिटर आपके पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली जब आप कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो सारी की सारी जो आपके पास आउटपुट है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही होती है, वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स या मॉनिटर्स या डिस्प्ले स्क्रीन्स को हम यूज़ करते हैं। इन स्क्रीन्स की डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसका साइज़। जो आपके मॉनिटर्स हैं या आपकी डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हैं। आप मार्केट में जाकर डिफरेंट साइज़ की 14 इंच, 17 इंच, 21, 24 या इससे भी बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन्स या मॉनिटर्स को बाय कर सकते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन डिस्प्ले स्क्रीन्स को, इन मॉनिटर्स को यूज़ कर सकते हैं। साइज़ के बाद आता है मेरे पास कलर। ये तमाम के तमाम जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, ये आपको डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले स्क्रीन्स को यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो आप कलर्स मोनीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पहले आपके पास इतनी वैरायटी डिस्प्ले स्क्रीन्स में मौजूद नहीं होती थी। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजीज को देखें तो आपके पास जस्ट मोनोक्रोम मॉनिटर्स ही होते थे जो आपको सिंगल कलर की आउटपुट प्रोवाइड करते थे। या उसमें ब्लैक एंड वाइट कलर होता था या आप ग्रीन कलर, रेड कलर या ब्लू कलर, इनमें से किसी एक कलर के अंदर अपनी आउटपुट को अपने मॉनिटर के ऊपर देख सकते थे। लेकिन आजकल आपको मल्टी कलर्स LCD मिल सकती हैं जो कि आपकी मल्टीपल हज़ारों बल्कि लाखों कलर्स को आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स की है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है? आपकी जो स्क्रीन है वो छोटे छोटे डॉट्स, जिन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं, से मिलकर बनी होती है। आप अगर अपनी इमेज को, अपनी स्क्रीन्स को स्टडी करें तो आपकी जो पूरी की पूरी LCD है, पूरी पूरी स्क्रीन है, वो क्या होती है, छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है। और डॉट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जो पिक्सल्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर उनको आप काउंट कर लें, कंबाइन कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट रेजोल्यूशंस की डिस्प्ले स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ वर्ड सुने होंगे, कुछ डिमेंशन सुनी होंगी के 720x180। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं उसको स्पेसिफाई कर रहा होता है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, जो आपका आंसर आएगा वो, उसका मतलब क्या है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। जितने आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे, उतनी क्या होगी, आपकी जो इमेज की क्वालिटी है, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है, आपकी स्क्रीन की जो क्वालिटी है, वो क्या होगी, उतनी बेहतर होगी। तो जब भी आप मार्केट से कोई स्क्रीन खरीदें तो वेरीफाई कर लें कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर से बेहतर हो, ताकि जो आपकी क्वालिटी है इमेज की वो भी बेहतर नज़र आ रही हो आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स की है वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स। आप जो भी LCD यूज़ करते हैं, जो भी आप स्क्रीन, जो भी आप मॉनिटर यूज़ करते हैं, वो उसके पास एक ग्राफिक कार्ड होता है। उस स्क्रीन के अंदर एक ग्राफिक कार्ड अटैच होता है जिसे हम वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर भी कहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेजेस डिस्प्ले हो रही होती हैं उनको कंट्रोल और मैनेज कौन करता है, वो आपका ग्राफिक कार्ड या वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इमेज शो होगी उसकी रेजोल्यूशन कितनी हो सकती है, उसके कलर्स कौन कौन से होंगे और उसकी स्पीड क्या होगी। अगर आप वीडियो को डिस्प्ले कर रहे हैं तो किस स्पीड से
आपके पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, ये तमाम की तमाम जो मैनेजमेंट है वो क्या कौन करता है, वो आपका ग्राफिक कार्ड करता है। तो हमारे पास ग्राफिक कार्ड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी स्क्रीन को, आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद इमेज को कंट्रोल करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड हो। जितना अच्छा आपका ग्राफिक कार्ड होगा उतनी अच्छी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले है उसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। आज हमने देखा कि हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स कौन कौन सी होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास जो डिस्प्ले स्क्रीन्स के कौन कौन से ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं या उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।